हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से या टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 9 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक टॉप गेनर्स आज के दिन का रहा, जहां पर स्टॉक 8% से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 7% की तेजी देखने को मिली है, तो 1 महीने के अंदर 8%, 3 महीने में 13%, 6 महीने में 16% और 1 साल के अंदर इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक के ऊपरी लेवल पर देखें तो अब इस स्टॉक में लगातार एक खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो ये स्टॉक एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ 106 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक लो था और ये स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 114 रुपीज के इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी और ये स्टॉक इसके बीच में काफी टाइम तक ट्रेड करता हुआ नजर आया। और जैसे इस स्टॉक में एक बड़ी निचले लेवल पर रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक ने 114 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दिया गया। 114 रुपीज के इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रुकावट रेंज थी, जैसे इस स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने न्यू हाई बनाया 117 रुपीज। अभी देखें तो ये स्टॉक 52 वीक हाई से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 112 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 150 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 115 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 130 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।